India's first over the ocean flight. गणपति बाप्पा गणपति पुळे के लड्डू काय करते हैं तेवढं काय वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भाऊजी चैनल मध्ये। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:34, फटाफट तैयार होके हम लोग अभी निकल रहे हैं गणपतिपुळे। आज का प्लान है गणपतिपुळे करके आरेवारे बीच जाना। वो जो जिप लाइन है वो आज करनी है, कल इन्फो वगैरह निकली, यहाँ से पास में है, हम लोग ने आरेवारे में ही स्टे लिया है तो यहाँ से सब चीज़ें पास में है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि बैग्स वगैरह सब रूम में रख दिए, जो आम की पेटी वगैरह थी वो भी रूम में रख दी, क्योंकि गाड़ी की डिक्की में वो गर्म हो जाता ना इसलिए। तो वापस आएंगे गणपतिपुळे से दर्शन लेके वापस आएंगे, फिर सारा सामान लेके गाड़ी में डंप करेंगे एंड देन निकलेंगे जिप लाइन के लिए। तो ये है आज का प्लान। सो व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं जरूर बताना, रॉ रख रहा हूँ, फन रख रहा हूँ, तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट। गणपतिपुळे पास में ही था, 2-4 किलोमीटर पे, तो फटाफट आ गए। चप्पल वगैरह हम लोगों ने गाड़ी में ही रख दिए क्योंकि दर्शन लेने जाना है। देखो ये सामने जो कमन है ना, इसके अंदर से जाना है अपने को। ऑफकोर्स अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं होगा, बट फिर भी आई विल ट्राई जितना हो सके, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो जाते हैं गणपति बप्पा के दर्शन लेते। गणपति बप्पा मोरिया कमेंट में लिख दो। इतनी सुबह सुबह आए ना कि दर्शन एकदम बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। थोड़ी देर बैठे थे शांति से हम लोग मंदिर के अंदर, और ये रहा प्यारा सा गणपति बप्पा का मंदिर। बहुत ही फेमस मूवी है नवरा माता नवसाचा मराठी वाली, तो उसमें ये मंदिर है और उससे और भी ज़्यादा फेमस हुआ है। और यह देखो यार, और ये है सामने गणपतिपुळे का बीच, और यहाँ पर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं। तो भाई साहब गणपतिपुळे के लड्डू ले लिए है अपन ने, प्रसाद वहनी जी के लिए भी ले लिए। और ये देखो अभी हम लोग आए हैं गणपतिपुळे बीच पे, थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करेंगे, ज़रा फोटोज़ वगैरह निकालेंगे एंड देन हम लोग निकलेंगे वापस रूम जाएंगे, फिर रूम पे चेंज करके फिर जिप लाइन। गणपतिपुळे से हम लोग निकल रहे थे होटल बीच में, ये पॉइंट दिखाओ भाई साहब, यहाँ से नज़ारा देखो, वो हो पूरा का पूरा सी दिख रहा है यहाँ से, और ये पूरा बीच है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और ये रहा ओमे टोमे टोमे, हेलो गाइस। ये देखो भाई साहब पूरा अटायर चेंज, रूम आए थे, रूम आके फ्रेश व्रेश हो गए और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि अभी जाना है अपन को ओशन फ्लाई जिप लाइन करने। जिप लाइन का वीडियो जबरदस्त आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। और लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई साहब।
जिपलाइन करने, तो भाई कंफर्टेबल क्लोथ होंगे तो मजा आएगा ज्यादा। तो सारा बैग वगैरह पैक करके लाया, अब डिक्की में लोड करेंगे और फिर यहाँ से ओशन फ्लाइज थोड़ी दूरी पे, तो बस वहाँ जाके जिपलाइन करना है। घरी गेलो पहन में भाई, अगर किया ना मैं बंजी जंपिंग करने जाएगा। ओ इधर आधी एकड़ डेला ना है, डेला लग्न नाही झाले तुमचे, काही असेल तर सांगा, मध्ये थोडा सांगतो। हा सिंगल याला नीट बांध बाबा, याचं लग्न झाले। वरती गेल्यानंतर वाटलं तीन कॉल पकडायला वगैरे लागतं का वरती? नाही ना, दोन्ही असतील ना। धन्यवाद। चलो भाई ऑल सेट। हे देखो हे पेनते वगैरे आलं की फिलिंग येते भाई। जबरदस्त एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया एकदम। और ये है इंडियाज फर्स्ट ओवर द ओशन फ्लाई, तो मालवण रत्नागिरी साइड आ रहे हो तो ये ज़रूर करना भाई साहब। ये देखो इधर से लेके यहाँ तक मज़ा आ गया भाई। लोग तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? मजा एक नंबर बाबा, वसूल पैसा वैसे लग गए हैं वीडियो में। एक नंबर संतोष, देखो कैसा था एक्सपीरियंस? सेकंड टाइम था, बेस्ट वन। ए इधर सेकंड टाइम था क्या तेरा? अच्छा, याला विचारून फायदा नाही, फर्स्ट टाइमर्सला विचारा। मजा आया भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। चलो गाइस बैक टू द कार। अब ये जो एक्सप्लोरेशन सीरीज थी मालवण की, ये होती है यहाँ पे समाप्त। यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं घर पे। अब जाते जाते जो एडवेंचर होगा, जहाँ कुछ दिखेगा वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। स्टे ट्यून्ड।
गाइस टाइम चेक, इट्स 3:49 और हम लोग अभी कराड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लंच किया हम लोगों ने ये होटल में। अभी यहाँ से निकलेंगे घर पे, पुणे स्टेशन छोड़ेंगे, फिर पुणे स्टेशन से लोकल से हम लोग घर जाएंगे। तो पता नहीं मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, मिलते जब भी मिलेगा मौका तब मिल जाओ। बाय। फाइनली अब जाके एडिट हुई है ये मालवन रत्नागिरी वाली ट्रिप। ट्रिप को होके ना ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो चुके होंगे, और मतलब इतने दिन ना इच्छा ही नहीं हो रही थी एडिट करने की। और मेरा कैसा है कि जब मुझे अंदर से लगता है ना तभी मैं काम करता हूँ, वरना फिर वो ऐसे ज़बरदस्ती वाला काम हो जाता है, तो इसलिए इतना टाइम लग गया। बाय द वे, आप लोगों को कैसी लगी ये वाली सीरीज ज़रूर बताना। मैंने इस बार ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस किया था, रील्स वगैरह पे, तो बस उसका रिजल्ट भी अपने को मिला है। अपने हो चुके हैं 10K प्लस फॉलोअर्स, तो अगर आप लोग वहाँ पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे ज़रूर फॉलो करो, रोज़ के रोज़ अपडेट्स वहाँ पे आप लोग को मिलेंगे। तो ये सीरीज होती है समाप्त यहाँ पे, और ये व्लॉग भी करते हैं समाप्त। इसके आगे अब मॉनसून आ रहा है, तो मॉनसून वाले व्लॉग्स आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड, धड़ाधड़ व्लॉग्स आने वाले हैं भाई साहब। अब मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। एनीवेज, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। सर्व जस्तु तुमच्या घरच्यांची काळजी घ्या, कारण ते सर्व जस्तु इम्पॉर्टेंट। साइनिंग ऑफ हेमंत राऊत, बाय बाय। और एक बार इंस्टा चेक जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को पसंद आएगा। बाय बाय। और एक बात, आप लोगों को लगेगा घर में कैप क्यों पहनी है, तो आपके भाई ने मार दिया है ट्रिमर। बस ऐसे ही मुझे ऐसे इच्छा हो गई तो मैंने ट्रिमर मार दिया। बस अब अच्छा लग रहा है, जरा गर्मी से मुक्ति मिली है थोड़ी थोड़ी। बस दिस वॉज द अपडेट। बाय बाय।